एक बंदा एक्सपीरियंस होल्डर है, और आई थिंक मुझे लगता है इन्होंने जो सानिया मिर्ज़ा है उनको भी बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर डाला है अपने इस मैच से। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल का मैच भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, मतलब अनबीटेबल हो रही है पाकिस्तान टीम, कोई भी उनको बीट नहीं कर पा रहा है। क्या खेल रहे हैं वो लोग जोश के साथ, मज़ा आ रहा है देखने में। और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इंडियन टीम तो बिल्कुल आउट हो गई है, टूर्नामेंट से बिल्कुल बाहर हो गई है। और बहुत बुरा भी लगा था जब मुझे पता लगा ना, कल कोई वीडियो भी नहीं आया था, आपने आप लोगों ने देखा भी होगा, उस साथ ना मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए कल मेरा एक भी वीडियो नहीं आया था। और जब मुझे पता लगा ना यार बिल्कुल बाहर हो गए, तो मुझे सीरियसली बहुत बुरा लगा। आई फील सो बैड के यार, एक उम्मीद थी ना, उम्मीद तो रख ही सकते यार, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, बट इट्स ओके, एट दी एंड गेम है, कुछ भी हो सकता है, हार जीत का कुछ नहीं पता, कब कौन सी टीम कहाँ निकल जाए। पर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम की, जो कि उनका मैच रहा है ना स्कॉटलैंड के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था यार, ख़ासतौर पे जो शोएब मलिक हैं उनका परफॉर्मेंस, माय गॉड, बहुत अमेजिंग रहा है। और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें अपनी शेयर की हैं। शोएब मलिक यार इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो सानिया मिर्ज़ा के सामने तो उन्होंने बहुत ही मज़ेदार वाली परफॉर्मेंस दी है, मज़ा आया देखकर यार। बैटिंग बहुत अच्छी, बाबर आजम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब जितने भी लोग थे ना सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो एक बार फिर से आप लोगों को कंग्रेचुलेशन यार, पाकिस्तान टीम को कंग्रेचुलेशन दिल से, ऑल ऑफ यू जो जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, इस वीडियो को देख रहे हैं। शोएब मलिक और बाबर आजम का ना कुछ पोस्ट मैच कुछ वीडियोज़ आई हैं, तो मुझे सजेशन भी आई थी कल रात को, रिक्वेस्ट आने लगी थी प्लीज़ इन वीडियोज़ के ऊपर रिएक्ट करो। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो में कि उन्होंने क्या बोला है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। बट बिफोर आई स्टार्ट, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डू ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अगर आप लोगों ने वहाँ मुझे अब तक फॉलो नहीं किया। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, जैसे आपको बताया कि पांचवी विक्ट्री आज हमने की है और सेमीफाइनल में गए, और सेमीफाइनल 11 को है, और आप सबकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। और मेरे साथ हैं शोएब भाई जिन्होंने आज आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, और जिसके लिए ये जाने जाते हैं फिनिशर के लिए, उन्होंने आज जिस तरह फिनिश किया। अर्ली ऑन हमें थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जब शोएब भाई आए थे तो उन्होंने डिफरेंट गेम खेली है। तो शोएब भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जब आप आए तो आपने क्या क्या आपका माइंड सेट था, क्या आपका प्लान था? माइंड सेट यही था कि यार थोड़े से बॉल्स लिए जाएं, असेस की जाए चीज़ें, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि आप ऑलरेडी सेट में खड़े थे, तो थोड़ा सा वो मिला, फीडबैक मिली कि इस तरह का पिचर, तो इस तरफ शॉटिंग के लिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ जो है कम्युनिकेट करे और आपको बताए। कोशिश यही थी, और जो देखा भी है टूर्नामेंट में कि लास्ट के 3-4 ओवर्स में काफ़ी रन बन रहे हैं, तो यही कोशिश। मेरा कोर्स सवाल है कि आप यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या सोचना चाहिए, कि आपको सिर्फ बड़ी शॉट पे रहना चाहिए या आप थोड़ा सा बॉल ले लें या क्रिकेटिंग शॉट खेल लें, उस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो असेस करें कंडीशंस कैसी हैं, टीम को क्या रिक्वायरमेंट वहाँ पे चाहिए। डॉट बॉल नहीं खेलें इस टाइम पे, जो लास्ट के 4-5 ओवर रह गए हो ना, इसमें डॉट बॉल नहीं खेलें, स्ट्राइक रोटेट होती रहनी चाहिए। ओवर आपको एक बड़ा चाहिए होता है 18 से 20 का, तो आप 4 ओवर्स में आराम से 45-50 रन कर सकते हैं, तो असेस करें और अकॉर्डिंगली खेलें। जैसे उन्होंने बताया, हमने मैंने बहुत सीखा इनसे, इनके साथ जितनी मैंने बैटिंग की, मैंने इनका ये जो माइंड सेट था, जो इनकी उस टाइम पे थॉट होती थी, वो मैंने सीखी है, और इनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। और जिस तरह आज इन्होंने खेली आउटस्टैंडिंग मीटिंग ऑस्ट्रेलिया, मैन ऑफ द मैच है, कल का मैच इन्होंने ही सच में उठाया है बहुत तगड़े तरीके से। वालेकुम सलाम, थैंक यू शायद भाई। ऑफ कोर्स वी हैव सीन ऑस्ट्रेलिया द वे दे हैव बीन प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट, सो डू वी, बट ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ tough challenge for both the teams, but if agar hum log ye sochenge sirf it's going to be another game, then I guess aap zyada behtar se apne plans execute kar sakte ho, aur yahi jo hai management ki taraf se bhi jo messages hain wo pass ho rahe hain, just take it as another game। शोएब तो बहुत मुबारक हो, और बड़ा अच्छी पाकिस्तान टीम खेलते हुए सेमीफाइनल में आई, सारे मैच जीते, और माशाल्लाह हर प्लेयर की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। आप ये फील करते हैं कि पाकिस्तान का जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं इस वक्त, खासकर जिस तरह बैटिंग लाइनअप चल रही है, वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आप फील करते हैं कि उसमें जिस तरह, क्योंकि थोड़ी सी वीक ये पोजिशन थी स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर्स के पास यॉर्कर हैं, शॉर्ट पिच डिलीवरीज हैं,
उनकी आपने कोई स्ट्रेटजी या मैनेजमेंट ने कोई इस तरह की डिस्कशन अभी हुई है या इट्स टू अर्ली फॉर दैट? अभी अभी नहीं बता सकते, ये तो यार स्ट्रेटजीज होती है ना, एकदम नहीं बता सकते। अगले मैच के लिए कुछ तो स्ट्रेटजीज बनाएंगे ना वो। राउंड का जो मैच था वो लास्ट वाला खत्म हुआ है एंड देन वी हैव few days in between before the semis, so I'm sure management will say कुछ राज हैं और राज को राज ही रहने दो। Definitely talk about and they'll make plans as well कि semis में क्या करना चाहिए, कौन सी चीजें हैं opposition को सामने रख के जो के जरूरी हैं वो करने के लिए। I'm sure उस पे जरूर management बैठेगी और इस पे discussion होगी। सेमीफाइनल ज्यादा मुश्किल लग रहा है या फाइनल, क्योंकि दोनों ही बड़े ही इम्पोर्टेंट मैच है, लेकिन आपको दोनों सच में बहुत ज्यादा मुश्किल कौन सा लगा कि सेमीफाइनल जीतेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए बीइंग अ प्रोफेशनल जो आपके सामने चीज हो उस पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए और पूरी टीम का फोकस यही है आज के मैच के बाद कि जो सेमीफाइनल है उसमें किस तरह जो है जो कंसिस्टेंसी इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट आ रही है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम थ्रू आउट करते आ रहे हैं और वो सेम चीजें की जाए। What is the secret of the fitness and what you think that how capable you are to play for Pakistan one or two years more? Well, to be honest, I would say I have self obsession of see myself fit when I look at in the mirror and most importantly I'm still enjoying playing cricket and that's and very it's helping important. As well and the end of the day towards the team and I guess if you want to stay fit then you got to train every day and that's exactly. what I have been doing last and I'm not sure about playing a year more or two two more years. Right now I'm middle of a very important thing and not thinking about all that. If fikar or tension to kisi bhi athlete ko nahi leni chahiye. Of course kisi bhi aap match mein jab ja rahe hote hain to wo thode se butterflies zarur hote hain aur wo hone bhi chahiye taki wo aapko encourage karte hain acha karne ke liye. Aur to be honest abhi hum log ka round ka last wala match khatam hua hai, ab jaake thoda sa time milega and I'm sure jo individual players hain they will also think about their bowling lineup and batting lineup jo hamare bowlers hai ya jo batters hai aur team management bhi baithegi aur definitely is cheez pe jo hai baat hogi aur jo behtar ho sakta hoga semis mein jo मतलब उनके जो प्लान्स हैं उनको कैसे तोड़ा जाए और जो हमारे प्लान्स हैं उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होनी चाहिए डेफिनेटली इस पे बात होगी और इस पे प्लान जरूर बनेंगे। गाइस सो हमने इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा एंड जो इन्होंने बात कही बहुत सटीक कही, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड की, एक एक बात से मैं इनकी एग्री करती हूँ। और एक चीज़ तो है यार, टीम के अंदर अगर कोई भी एक एक्सपीरियंस बंदा हो ना तो टीम का जो आउटकम निकल कर आता है ना मैच के बाद या कोई भी गेम हो उसके अंदर जो एक टीम बनती है उसके अंदर अगर एक बंदा भी एक्सपीरियंस हो जिसको पास्ट ईयर्स का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस हो और उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो तो उससे जो है ना टीम पर बहुत तगड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। मैच के अंदर देखा भी कि एक एक्सपीरियंस बंदे के आने की वजह से कितना ज़्यादा उस टीम को जो है फ़ायदा पहुँचा है। क्योंकि क्या होता है ना, अभी एक टीम के अंदर कोई ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस बंदा है तो उससे क्या होता है कि बाकी सारे जो लोग होते हैं ना टीम के जो बाकी लोग होते हैं उनके अंदर भी एक अलग सा कॉन्फिडेंट आता है खेलने का। वो ज़रूरी भी है यार एक एक्सपीरियंस बंदे का टीम के अंदर होना। जैसे शोएब मलिक, इन्होंने कमाल कर दिया यार, और जो भी इनका एक्सपीरियंस था उसका एक नमूना इन्होंने दिखाई दिया। बाबर आजम ऑल्सो, पूरी टीम की अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर सब ने बहुत अच्छा खेला। अगर एक बंदा एक्सपीरियंस होल्डर है और आई थिंक मुझे लगता है इन्होंने जो सानिया मिर्ज़ा है उनको भी बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर डाला है अपने इस मैच से, तो उनके फेस पर वो चीज़ दिख भी रही थी। इस कॉन्फ्रेंस में ना हमने इनकी फिटनेस को लेकर भी चीज़ें सुनी, और जैसे कि हमने सुना कि इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप क्या रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं या एक दो साल खेलेंगे, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया था। बोला कि अभी तो मैं अपने क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ, और वो मैटर भी करता है कि आप एंजॉय भी कर रहे हैं और आप फिट भी हैं तो खेलने में क्या बुरा है यार, कंटिन्यू करें। इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि कितने साल कर सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत लगे नहीं कर सकता तो बस हट जाना चाहिए। बट अभी राइट नाउ ये सवाल तो बिल्कुल भी उनके लिए मैटर नहीं करता। लगा इनका ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था जो कि पोस्ट मैच था, मैच के बाद जो उन्होंने चीज़ें बोली और रिपोर्टर उनसे कुछ स्ट्रैटेजीज जानने की भी कोशिश कर रहा था। आई मीन यार कोई क्यों बताएगा, कोई भी किसी भी चीज़ में अगर स्ट्रैटेजीज क्यों शेयर करेगा, कोई भी नहीं शेयर करेगा। तो वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ के बारे में मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया कि वो भी मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैचेस बाकी हैं आगे। तो डेफिनेटली यार वो अपने कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं गेम को लेके जो एक बंदा थोड़ा सा उस चीज़ को
होल्ड करके रखता है, वो एकदम से सारी चीज़ें रिवील नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कोई मूवी आती है तो उसका पहले टीजर आता है, ट्रेलर आता है, ऐसे थोड़ी ना कि मूवी की पूरी स्टोरी बता देंगे, तो वो चीज़ उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझा एट दिस स्टेज। और वो ज़रूरी भी है, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को ना रिजर्व रखना ज़रूरी है। अभी जिस टाइम पर लोग चल रहे हैं, बगा कॉन्फ्रेंस उनका जो भी था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन आपको कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान टीम एंड ऑल ऑफ यू जो जो देख रहे हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।